दोस्तों आज मैं आपके सामने 160 सीसी सेगमेंट का दो बहुत ही पॉपुलर बाइक बजाज पल्सर NS160 एंड TVS Apache RTR 160 का डिटेल कंपैरिजन लाने वाला हूं। इन दो बाइक में से कौन सा बाइक आपके लिए परफेक्ट एंड बजट फ्रेंडली है ये सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हर कंपैरिजन वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी दोनों बाइक का 10 पॉइंट्स लेकर बात करूंगा और मेरे ओपिनियन के हिसाब से रेटिंग भी दूंगा। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए और कमेंट में बताइए इन दोनों बाइक में से कौन सा बाइक आपको बेहतर लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सभी का स्वागत करता हूं दी बाइकर्स डायरी यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर दी बाइकर्स डायरी फैमिली से जुड़ जाइए। कंपैरिजन का पहला पॉइंट है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। बजाज पल्सर NS160 160.3 सीसी 4 वाल्व ट्रिपल स्पार्क BS4 DTSI ऑयल कूल्ड इंजन के साथ आता है, जो 8500 RPM में मैक्सिमम 15.3 BHP पावर एंड 6500 RPM में 14.6 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड करता है। इस बाइक का फ्यूल डिलीवरी सिस्टम कार्बोरेटर टाइप है और दोस्तों इस बाइक में 5 स्पीड गियरबॉक्स का यूज हुआ है। इस बाइक का ARAI डिक्लेयर्ड माइलेज है 45 km/h। दूसरी तरफ TVS Apache RTR 160 159.7 सीसी सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल्ड इंजन के साथ आता है, जो 8000 RPM में मैक्सिमम 15.1 BHP पावर एंड 6000 RPM में 13.03 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड करता है। इस बाइक का फ्यूल डिलीवरी सिस्टम भी कार्बोरेटर टाइप है और दोस्तों इस बाइक में भी 5 स्पीड गियरबॉक्स का यूज हुआ है। इस बाइक का ARAI डिक्लेयर्ड माइलेज 50 km/h है। इस पॉइंट पे देखे तो दोस्तों दोनों बाइक का इंजन पावर लगभग सेम है, लेकिन बजाज पल्सर NS160 का इंजन कूलिंग सिस्टम बेटर है। वही दूसरी तरफ TVS Apache RTR 160 का माइलेज ज्यादा है, इसीलिए इस पॉइंट पे मैं बजाज पल्सर NS160 एंड TVS Apache RTR 160 दोनों बाइक को ही 8 आउट ऑफ 10 देता हूँ। कंपैरिजन का दूसरा पॉइंट है ब्रेकिंग सिस्टम। बजाज पल्सर NS160 का फ्रंट व्हील में ड्यूअल पिस्टन कैलिपर 260 mm डिस्क ब्रेक एंड रियर व्हील में सिंगल पिस्टन कैलिपर 230 mm डिस्क ब्रेक मिलेगा। इस बाइक का फ्रंट व्हील में सिंगल चैनल ABS एंड रियर व्हील में RWLP यानी रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोटेक्शन सेंसर मिलेगा। वही दूसरी तरफ TVS Apache RTR 160 का फ्रंट व्हील में ड्यूअल पिस्टन कैलिपर 270 mm पेटल डिस्क ब्रेक एंड रियर व्हील में सिंगल पिस्टन कैलिपर 200 mm डिस्क ब्रेक मिलेगा। इस बाइक का फ्रंट व्हील में सिंगल चैनल ABS मिलेगा, लेकिन रियर व्हील में किसी प्रकार का सेंसर का यूज नहीं हुआ है। इस पॉइंट पे मैं बजाज पल्सर NS160 को 8 आउट ऑफ 10 एंड TVS Apache RTR 160 को 7 आउट ऑफ 10 देता हूं। कंपैरिजन का तीसरा पॉइंट है फ्रेम एंड सस्पेंशन। बजाज पल्सर NS160 में स्टील पेरीमीटर फ्रेम का यूज हुआ है। इस बाइक में बॉक्स टाइप स्विंग आर्म का यूज किया गया है। सस्पेंशन की बात करें तो दोस्तों इस बाइक का फ्रंट में एंटी फ्रिक्शन बूस्ट वाला टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रियर में 7 स्टेप एडजस्टेबल नाइट्रॉक्स गैस चार्ज्ड मोनो सस्पेंशन मिलेगा। वही दूसरी तरफ TVS Apache RTR 160 में ड्यूअल क्रैडल फ्रेम का यूज हुआ है। इस बाइक का फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रियर में गैस चार्ज्ड 5 स्टेप एडजस्टेबल ट्विन सस्पेंशन मिलेगा। इस पॉइंट पे देखे तो दोस्तों ड्यूअल क्रैडल फ्रेम से स्टील पेरीमीटर फ्रेम बहुत ही एडवांस्ड होता है और मोनो सस्पेंशन में राइडिंग कंफर्ट एंड बाइक का बैलेंस बेहतर होता है। इस पॉइंट पे मैं बजाज पल्सर NS160 को 9 आउट ऑफ 10 एंड TVS Apache RTR 160 को 7 आउट ऑफ 10 देता हूँ। कंपैरिजन का चौथा पॉइंट है ग्राउंड क्लियरेंस, सीट हाइट एंड कर्ब वेट। बजाज पल्सर NS160 का ग्राउंड क्लियरेंस 176 mm है,
जो इंडियन रोड के लिए परफेक्ट है। इस बाइक का सीट हाइट 805 मिलीमीटर है, जो शॉर्ट हाइट राइडर्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, और इस बाइक का कार्ब वेट है 142 केजी। दूसरी तरफ TVS Apache RTR 160 का ग्राउंड क्लियरेंस 165 मिलीमीटर है, सीट हाइट है 790 मिलीमीटर एंड कार्ब वेट है 137 केजी। इस पॉइंट पे देखे तो दोस्तों TVS Apache RTR 160 को कोई भी हाइट का राइडर आसानी से चला सकता है, और इस बाइक का कार्ब वेट भी कम है। इस पॉइंट पे मैं बजाज पल्सर NS 160 को 7 out of 10 एंड TVS Apache RTR 160 को 8 out of 10 देता हूँ। कंपैरिजन का पांचवा पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। बजाज पल्सर NS 160 में एनालॉग एंड डिजिटल कंबाइन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। मिडिल में एनालॉग RPM मीटर एंड डिजिटल में फ्यूल स्टेटस मिलेगा, और इसके साथ साथ ABS इंडिकेटर भी यहाँ पे दिया जाता है। इसका लेफ्ट साइड में बजाज का लोगो, टेम्परेचर इंडिकेटर, हीट इंडिकेटर, बैटरी स्टेटस इंडिकेटर, टर्न लाइट इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर एंड हाई बीम इंडिकेटर मिलेगा। राइट साइड में RPM लिमिटर इंडिकेटर एंड डिजिटल में साइड स्टैंड इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर एंड दो ट्रिप मीटर मिलेगा। दूसरी तरफ TVS Apache RTR 160 में भी एनालॉग एंड डिजिटल कंबाइन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है। लेफ्ट साइड में एनालॉग RPM मीटर एंड राइट साइड में डिजिटल में स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर एंड टाइम मिलेगा। इसके साथ साथ ABS इंडिकेटर, टर्न लाइट इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, हाई बीम इंडिकेटर भी दिया जाता है। इस पॉइंट पे देखे तो दोस्तों TVS Apache RTR 160 से बजाज पल्सर NS 160 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसीलिए इस पॉइंट पे मैं बजाज पल्सर NS 160 को 9 out of 10 एंड TVS Apache RTR 160 को 8 out of 10 देता हूँ। कंपैरिजन का सिक्स्थ पॉइंट है लुक्स। बजाज पल्सर NS 160 का लुक्स NS 200 से इंस्पायर्ड है। इस बाइक में मस्कुलर 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा। टैंक के ऊपर 3D पल्सर ब्रांडिंग किया गया है, जो क्रोम कलर का है। टैंक के साइड में ब्लैक कलर का काउल मिल जाएगा। इस काउल में आपको 160 ब्रांडिंग मिलेगा। साइड में ग्रिल टाइप पैनल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। रियर काउल में स्टिकर से NS 160 ब्रांडिंग किया गया है। फ्रंट मडगार्ड में रेड स्टिकर से डिजाइन किया गया है, और दोस्तों हेडलाइट यूनिट के साइड में भी रेड स्टिकर्स मिल जाएगा। दूसरी तरफ TVS Apache RTR 160 में एक स्ट्रीट फाइटर लुक्स मिलेगा। इस बाइक में 16 लीटर का मस्कुलर फ्यूल टैंक दिया जाता है। टैंक का दोनों साइड में TVS का 3D हॉर्स लोगो मिलेगा, जो सिल्वर कलर का है। साइड पैनल में Apache ब्रांडिंग मिलेगा। रियर काउल में RTR 160 लिखा गया है, और इंडिया का फ्लैग भी यहाँ पे मिल जाएगा। इस बाइक में एक बेली काउल भी दिया जाता है, और इस बेली काउल में TVS रेसिंग ब्रांडिंग किया गया है। इस पॉइंट पे देखे तो दोस्तों बजाज पल्सर NS 160 का लुक्स ज्यादा एट्रैक्टिव है, और इसीलिए इस पॉइंट पे मैं बजाज पल्सर NS 160 को 8 out of 10 एंड TVS Apache RTR 160 को 7 out of 10 देता हूँ। कंपैरिजन का सेवेंथ पॉइंट है इलेक्ट्रिकल। बजाज पल्सर NS 160 में दो पायलट लैंप के साथ 55/60 वाट हैलोजन बल्ब वाला हेडलाइट मिलेगा, जो DC में ऑपरेट होता है। इस बाइक में क्लियर लेंस वाला फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर्स का यूज हुआ है। टेल लाइट की बात करें तो दोस्तों इस बाइक में ट्विन LED टेल लाइट मिलेगा। दूसरी तरफ TVS Apache RTR 160 में दो LED DRL के साथ DC ऑपरेटेड 35/35 वाट हैलोजन बल्ब टाइप हेडलाइट मिलेगा। इस बाइक में क्लियर लेंस वाला नॉन फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर्स का यूज हुआ है। टेल लाइट की बात करें तो दोस्तों इस बाइक में 0.5 वाट ट्विन ट्रायंगल टेल लाइट मिलेगा। इस पॉइंट पे देखे तो दोस्तों बजाज पल्सर NS 160 का हेडलाइट सेटअप ज्यादा इफेक्टिव है, इसीलिए इस पॉइंट पे मैं बजाज पल्सर NS 160 को 8 out of 10
एंड टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 को 7 आउट ऑफ 10 देता हूँ। कंपैरिजन का आठवां पॉइंट है व्हील्स एंड टायर्स। बजाज पल्सर एनएस 160 का फ्रंट व्हील में 90x90 साइज का एंड रियर व्हील में 120x80 साइज का ट्यूबलेस टायर मिलेगा। ये दोनों टायर्स ही एमआरएफ का है और इस बाइक का रिम 17 इंच डायमीटर वाला है। वही दूसरी तरफ टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 का फ्रंट व्हील में 90x90 साइज का एंड रियर व्हील में 100x80 साइज का ट्यूबलेस टायर मिलेगा और ये दोनों टायर्स ही टीवीएस का है और इस बाइक का रिम भी 17 इंच डायमीटर वाला है। इस पॉइंट पे देखे तो दोस्तों बजाज पल्सर एनएस 160 का टायर ज्यादा वाइड एंड बेटर क्वालिटी का है और इसीलिए इस पॉइंट पे मैं बजाज पल्सर एनएस 160 को 8 आउट ऑफ 10 एंड टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 को 7 आउट ऑफ 10 देता हूं। कंपैरिजन का 9th पॉइंट है सीट। बजाज पल्सर एनएस 160 में स्पीड सीट मिलेगा एंड दो मेटल ग्रैब बार भी यहां पे मिल जाएगा। दूसरी तरफ टीवीएस अपाचे आरटीआर 180 में वाइड एंड कंफर्टेबल स्टेप टाइप सिंगल सीट दिया गया है एंड दो मेटल ग्रैब बार भी यहां पे मिल जाएगा। इस पॉइंट पे देखे तो दोस्तों टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 का सीट ज्यादा कंफर्टेबल है। इस पॉइंट पे मैं बजाज पल्सर एनएस 160 को 7 आउट ऑफ 10 एंड टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 को 8 आउट ऑफ 10 देता हूं। कंपैरिजन का 10वां एंड आखिरी पॉइंट है प्राइस एंड पर्सनल ओपिनियन। 2019 बजाज पल्सर एनएस 160 का एक शोरूम प्राइस कोलकाता है 95,000 रुपीज एंड 2019 टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 एबीएस का एक शोरूम प्राइस कोलकाता है 89,000 रुपीज। मतलब दोस्तों टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 का प्राइस बजाज पल्सर एनएस 160 से कम है और मेरा पर्सनल ओपिनियन बजाज पल्सर एनएस 160 की तरफ जाता है क्योंकि इसका लुक्स मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और इस बाइक का मेंटेनेंस कॉस्ट भी टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 से कम है। इस पॉइंट पे मैं बजाज पल्सर एनएस 160 को 8 आउट ऑफ 10 एंड टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 को 7 आउट ऑफ 10 देता हूं। तो दोस्तों ये था इन दो बाइक का कंपैरिजन। आप देखते हैं दोनों बाइक को टोटल कितना पॉइंट मिला। दोस्तों बजाज पल्सर एनएस 160 को मिला टोटल 80 आउट ऑफ 100 एंड टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 को मिला 74 आउट ऑफ 100। इन दो बाइक्स में से कौन सा बाइक आपको बेहतर लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मोटरसाइकिल एंड स्कूटर रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राइड सेफ। जय हिंद। चाओ।